बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेट जो है वो क्या हुआ करती हैं कि सेट को एक्सप्रेस करने के कितने वे हैं या किन तरीक़ों के साथ किसी भी सेट को जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बारे में सेट की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में खासा जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक भी सेंड किया है आप उसके जरिए सेट की जो है वो डेफिनेशन अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं यहां मैं एक दफा सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि सेट क्या होता है हमारे पास सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर कार्ड मैंबर और एलिमेंट ऑफ सेट के हमारे पास अशिया की जो कलेक्शन आ जाती है कि वो वेल well डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो उसको हम लोग बोलते हैं कि सेट है आज बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेट बेसिकली क्या होती हैं। कि सेट की कितनी इशकाल हैं सेट को लिखने के कितने तरीके हैं सेट को एक्सप्रेस करने के कितने मेथड हैं तो सबसे पहला मेथड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है किसी भी सेट को लिखने का ये वो तरीका कार है कि जिसमें अगर कोई सेट हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कि यह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट है इफ अट रिटर्न इन स्टेटमेंट इज़ कार्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स के सेट ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर जो है बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि हाँ अभी ये लिखा हुआ है कि पहले दस नेचुरल नंबर का एक सेट है लेकिन ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेस करने का वे ऑफ सेट अगर वो कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है उसको हम नाम देते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट है उसके बाद सेकेंड वन हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट जो है ब्रेसिस में लिखा गया है और हर डिजिट दूसरे डिजिट से सेपरेट है कॉमे की मदद से कि हर एक अदद दूसरे अदद से कॉमे की मदद से अलग है और ब्रेसिस में हमने उसको इनक्लोज किया है उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ आ सेट जो कि स्टैंडर्डली कॉमनली हम लोग जनरली यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म अगर इसी स्टेटमेंट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है इसलिए ये फर्स्ट जो वर्ड लगा दिया हमने ये सेट वेल well डिफाइंड भी हो गया है और डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी को ऑब्वियसली ये होल्ड कर जाएगा एंड देन थर्ड वन फॉर्म ऑफ अ सेट इज डेट सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी सेट को लिखने का वो तरीका है जिसमें हम सिंबल्स की मदद से सेट को एक्सप्रेस करते हैं यानी कि मैथ के सिंबल यूज करते हैं सेट के सिंबल को यूज करते हुए हम लोग कोई भी सेट अगर एक्सप्रेस करें वो हमारे पास कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म अगर इसी स्टेटमेंट सेट ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये आएगा अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास आएगा एक्स सच डैट एक्स इसका मतलब होता है सच डेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ये वाला जो सिंबल है ये कहलाता है बिलोंग्स टू कैपिटल एन से मुराद है नेचुरल नंबर एंड ये हमारे पास कहलाता है एंड एक्स लेस देन इक्वल टू Ten, के आपके पास x जो है वो लेस हो और इक्वल टू हो सकता है टेन से हमें पता है कि जो जो से से होता है है लेकर तक का उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है अगर डी स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं सेट ऑफ ये मैं यहां से रेस कर देता हूं अगर हम इसको ऐसे लिखें सेट ऑफ फर्स्ट नाइन होल नंबर्स सेट ऑफ फर्स्ट नाइन होल नंबर्स इट मींस अगर हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे हमें पता है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री ऑन ये नाइन तक आ जाएंगे कि फर्स्ट नाइन होल नंबर तो ये सॉरी एट तक आएंगे क्यों फर्स्ट नाइन कहा है तो ये वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह जो एट तक पहले नाइन होल नंबर का सेट हमारे पास आ जाएगा यही अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है कैपिटल डब्ल्यू यानी कि होल नंबर से एंड जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए एट से क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं लिहाजा लेस देन इक्वल टू एट का मतलब है पहले नाइन फर्स्ट नाइन जो डिजिट्स हैं फर्स्ट नाइन होल नंबर्स हैं उनका सेट जीरो से लेकर आठ तक कंप्लीट हो जाता है तो ये थी फॉर्म्स ऑफ अ सेट के किस तरह हम सेट को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म स्टेटमेंट वाली फॉर्म टेबुलर फॉर्म ब्रेसिज वाली फॉर्म और हर हाँ डिजिट दूसरे से कॉमे से अलग एंड थर्ड वन इज डैट सेट बिल्डर फॉर्म बाई यूजिंग अ सिंबल्स और सेट नोटेशन को यूज़ करते हुए जो एक्सप्रेस करते हैं हम सेट uh, को वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म उम्मीद है स्टूडेंट्स आज वाले ये जो भी लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बिल्कुल आप लोगों को समझ लगी होगी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताए अल्लाह हाफिज